आप सभी के लिए एग्जाम्पल लेकर आया है यू पी एस आई दो हजार एग्जाम के लिए 14 बुक्स का कॉम्बो सेट जिसमें आपको मिलेंगी सामान्य हिंदी गणित भारतीय इतिहास मूल विधि यूपी जी के स्टैटिक जी के रीजनिंग रसायन विज्ञान पॉलिटी, अर्थशास्त्र जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान ज्योग्राफी और यू पी एस आई का प्रैक्टिस सेट ये सभी बुक्स आपको मिलेंगी मात्र चौदह में तो आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डर करें अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर नाइन एट सेवन थ्री ट्रिपल वन डबल फाइव टू पर कॉल या व्हाट्सएप करें एट डबल फोर एट डबल वन सिक्स टू फोर फाइव पर धन्यवाद हेलो दोस्तों मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर मास्टर पे हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति तो तैयार होगी नहीं पहले तो ये बता दो एक बार कमेंट करके कि आपका इस क्लास के लिए रेडी है कि नहीं भगवान दूसरी बात एक टॉपिक होता है हिंदी में विलोम एक टॉपिक क्या होता है हिंदी में विलोम और एक टॉपिक क्या होता है एक टॉपिक होता है आपका पर्यायवाची एक क्या होता है आपका एक होता है पर्यायवाची तो मैंने सोचा कि मैं लगभग लगभग सारे टॉपिक को करवा चुका हूं इन दोनों टॉपिक में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए बीस अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द देखो मैं कितने भी विलोम शब्द पढ़ा दू ज्ञान तक के जितने भी शब्द होते हैं कहीं से भी कोई भी विलोम बना सकता है विलोम इन द सेंस कि आपको पता है कि ये मान लो कोई एक चीज है ये मान लो एक पेन है तो इसका भी कोई एक विलोम होगा आपस में विपरीत चीजें जो होती हैं आपस में क्या होती हैं विपरीत नेगेटिव पॉजिटिव आप समझ लो जैसे नकारात्मक और सकारात्मक है तो अगर कोई चीज सकारात्मक है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई पॉइंट पे नकारात्मक चीज होगी मान लो कि आपको एक कोई एक शक्ति प्रदान की गई है मान लो राज्यसभा और लोकसभा होता है मान लो राज्यसभा की किसी के जो है सदस्य को कोई एक शक्ति है या फिर उसके सदस्य को जो शक्ति है उसके प्रतिलोम में उसके विलोम में किसी ना किसी को एक शक्ति होगी कि वो उस शक्ति को निरस्त कर सके इस तरीके की चीजें होती है उन विलोम आप कैसे याद कर सकते हो याद कुछ नहीं करना बस एक तरीका नॉर्मली बताऊंगा कि भाई आपको कैसे पढ़ना है क्या आ सकता है

हाँ तो क्लास को स्टार्ट करेंगे एक बार आप सभी दोस्त लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिएगा है कि नहीं क्लास को सभी लोग शेयर करना बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास होने वाली है आप सभी को पता है कि इसमें अड़तीस प्रश्न आते हैं और अड़तीस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इसमें से कम से कम पैंतीस प्लस प्रश्न करने मात्र और मात्र पंद्रह से सत्रह मिनट में मात्र और मात्र पंद्रह से सत्रह मिनट में करने हैं चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन है कि जो है, इस का विलोम क्या आलोक का विलोम क्या होगा मैं पहले भी शायद करवा चुका हूं देखो आलोक का कुछ लोग रात्रि दे रहे हैं वो यहां पर समझ रहे हैं यहां पर समझ रहे हैं कि आलोक का मतलब होता है प्रकाश आलोक का मतलब क्या होता है प्रकाश और प्रकाश का विलोम क्या होगा अंधकार प्रकाश का जो विलोम होगा वो होगा अंधकार यानी कि इसका प्रतिरोध क्या होगा अंधकार यानी कि सी आंसर इसका सही है सी आंसर सही है

हम बात कर रहे हैं जेस्ट की है ना कल तुम्हें अपना सब खराब करना चाह रहा हूं जेस्ट का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ जेस्ट का क्या होता है जेस्ट का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ क्लियर है यह चीज बताओ जेस्ट का विलोम शब्द क्या होता है जेस्ट का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ अगर -थी। क्लियर है तो आगे बढ़े हाँ दो का ए आंसर दे रहे हैं सभी लोग बहुत अच्छे शाबाश कनिष्ठ 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 बहुत बढ़िया

आप सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा स्थावर का सचल होगा नहीं होगा भाई स्थावर का सचल से कोई मतलब नहीं चंचल से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है स्थावर का चेतन से भी मतलब नहीं स्थावर का, मतलब का, मतलब का मतलब है का। जंगम से स्थावर का मतलब किससे है स्थावर का मतलब है बच्चा आपका जंगम से स्थावर का मतलब किससे है स्थावर का मतलब है जंगम से क्लियर है कि नहीं एक बार कॉमेंट करके बताइएगा एक बार कॉमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिएगा यह चीज़ आपको क्लियर है या नहीं है ठीक है स्थावर का विलोम क्या होगा जंगम से होगा ठीक है जंगम से होगा बहुत बढ़िया सभी का सही आंसर आ रहा है जो लोग डी आंसर इसका दे रहे हैं बहुत अच्छे शाबाश जंगम से चलिए बहुत बढ़िया तैयारी आपकी उसके बाद आपका गमन का विलोम शब्द क्या है गमन का विलोम शब्द क्या है क्वेश्चन नंबर है कि गमन का विलोम शब्द क्या है अच्छा देखो मैं आप सभी लोगों को बता इसका, जो हो है, इसका, है इसका सही है आगमन उसके बाद आपका मौन का विलोम शब्द क्या होगा मौन का मतलब क्या होता है मौन का मतलब होता है एकदम चुप रहना एकदम क्या रहना चुप रहना एकदम शांत रहना तो इसका अब विपरीत ढूंढो क्या हो जाएगा मुखर मौखिक मयंक या फिर विकार इसका क्या हो जाएगा मुखर मौखिक मयंक या फिर आपका विकार <neighboring mouth> किसी मौखिक नहीं हो सकता बच्चा मुखर हो सकता है मुखर किसे बोलते हैं बहुत ज्यादा बात करने वाला या ज्यादा बोलने वाला या आप कह सकते हो कि सिर्फ बोलने वाला मुखर कहते हैं यार बहुत मुखर आदमी है मतलब बहुत ज्यादा बातें को समझ के समझ के करता है बातों को करता हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पांच का बी दे रहे हैं जो गलत है ए आंसर पांच का सही है बातें करने वाला बातें करने वाला बोलने वाला या फिर आपका बोलने वाला मुखर का मतलब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा मुखर का मतलब आपका ये हो जाएगा प्रश्न नंबर पांच के बाद आपका प्रश्न नंबर छह है कि रेखांकित छपे शब्द के लिए उपरयुक्त विलोम शब्द का चयन करो वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है अब आपको यहाँ पे समझना है कि विलोम किसका पूछ रहा है अब आपको यहाँ पे समझना है जैसे एक वाक्य दे दिया तो वाक्य दे दिया तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विलोम किसका तो यहां पे आपको एक कॉमा दिया हुआ दिखा हुआ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका विलोम पूछ रहा है अभिज्ञ का मतलब अपने विषय का

क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें बहुत आसान चीजें हैं ये जो मैं आपको सामने लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर सात के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप सात देखिएगा क्वेश्चन नंबर है कि रिक्त स्थान में उपरुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें संपन्न व्यक्ति की व्यवस्था व्यथा नहीं ज्ञान ज्ञान ज्ञात यहां पे लिखिए ज्ञान लिखा है यहां होना चाहिए ज्ञात की जा सकती है ठीक है बताइएगा यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि किसके विलोम की बात कर रहा है यहां पे किस विलोम की बात कर रहा है यहां पे आपका किस विलोम की बात कर रहा है ठीक है तो यहां पे बच्चा देखो पूर्ति करें देखो यहां पे लिखा है उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें तो पूर्ति का मतलब यह है यह है आपका यहां पे पूर्ति करना है तो किसकी बात कर रहा है संपन्न व्यक्ति की संपन्न व्यक्ति की आपको यहां पे लिखना है कि यहां पे आंसर क्या आएगा संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं ज्ञात की जा सकती इसका जल्दी से बताइएगा बिल्कुल सही है संपन्न का अर्थ हो जाएगा आपका विपन्न क्या हो जाएगा विपन्न जो लोग सी आंसर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं सी कहां से हो जाएगा बच्चा रहे निष्पन्न निष्पन्न नहीं विपन्न संपन्न का हो जाएगा विपन्न भी होगा गलत कर दिया बताओ विलोम शब्द ही गलत कर रहे हो हैं विलोम शब्द में भी गलती है यार कैसे चलेगा बताओ विलोम शब्द में भी गलती आ रही सात का सी नहीं होगा चलो आगे आ जाता है आपका आगे आ जाता है कि विस्तार का विलोम शब्द बताइए विस्तार का अर्थ क्या होता है विस्तार का अर्थ क्या होता है बहुत फैला हुआ या बहुत बड़ा बहुत ज्यादा चीज सामान दिखा मतलब विस्तार का मतलब तो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है ना बहुत फैला हुआ आप इसको नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो विस्तार का अर्थ ही होता है कि बहुत फैला हुआ अब बहुत फैला हुआ विस्तार का अर्थ क्या होगा लघु क्या होता है छोटा सूच में या फिर संक्षिप्त देखो अब यहाँ पे आप कहोगे सर इसमें तो सारे ही मुझे विलोम शब्द लग रहे हैं इसमें तो मुझे सारे ही विलोम शब्द लग रहे हैं लेकिन आप ये बताना बहुत बढ़िया जल्दी से विस्तार आप कहोगे सर इसमें सारे ही लग रहे हैं आप कहोगे कि इसमें सारे लग रहे हैं विस्तार देखो यहाँ पे ये यह नहीं कहा गया कि बड़ा यहाँ पे अगर पूछा था कि बड़ा का विलोम बताओ अगर बड़ा का विलोम बताया पूछा था तो आप कह सकते हैं छोटा हो सकता है सूक्ष्म हो सकता है लघु हो सकता है क्योंकि लघु का अर्थ भी क्या है छोटा लघु का भी अर्थ क्या है छोटा ये तो छोटा लिखा ही आपका और आपका सूक्ष्म का भी अर्थ क्या है? है कि सबसे छोटा मतलब ये भी तो विलोम बन सकता है कि नहीं बन सकता है ये भी तो आपका विलोम बन सकता है कि नहीं बन सकता अगर मैं बड़ा का पूछता लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है विस्तार मतलब बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ इसका अर्थ हो जाएगा संछेद

चलो कोई नहीं मैं समझ गया इसमें इस, इस टॉपिक में आपकी कमजोरी है चलो सुनो आप सभी लोगों के लिए जिसमें मुझे लगता है कि इसमें मैं टॉप हंड्रेड विलोम शब्द आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा ठीक है टॉप हंड्रेड विलोम शब्द कब लेकर आ जाऊंगा बच्चा तो ये मैं आपके लिए टॉप हंड्रेड विलोम शब्द कल शाम चार बजे कब लेकर आ जाऊंगा कल शाम चार बजे आप लोग तैयार रहना कल शाम चार बजे तैयार रहना उसके बाद अगर आपको पर्यायवाची में दिक्कत लगेगी तो टॉप हंड्रेड में पर्यायवाची लेकर आ जाऊंगा कब लेके आ जाऊँगा उसके अगले शाम चार बजे शाम के जो कोई भी स्पेशल क्लास आपको मिलेगी तो शाम के चार बजे ही मिलेगी ठीक है शाम के कब मिलेगी चार बजे मिलेगी चलो आगे आ जाता है गरिमा का विलोम अगर इसका गलत कर दिया तो समझ लेना क्योंकि मैंने इसको कई बार कराया भी है ये जो गरिमा शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या है बताओ पहले पहले आप बताओ कि गरिमा शब्द का अर्थ क्या है उसके बाद इसका आंसर बताना गरिमा का शब्द क्या है ठीक है ये नहीं कहा जाता था कि आप किसी चीज़ पे गर्व करना गरिमा करना तो गर्व और गरिमा में अंतर है या नहीं है आप लोग इसका आंसर बताओ तभी आप जान पाओगे आगे ठीक है आप लोग इसके बारे में आगे तभी पहुंच पाओगे बहुत अच्छे शाबाश एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को ये गलत बात है यार आप लोग बहुत ज़्यादा लाइव बच्चे होते थे परंतु अभी लोग अभी तक आप लोगों ने क्लास जो है शेयर नहीं किए तो क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा ठीक है क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा बहुत अच्छे शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छे चलो एकदम सही आंसर है गरिमा का आंसर होगा लघिमा गरिमा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका लघिमा एकदम करेक्ट है चलिए आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे शाबाश। आगे आपका है मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा जल्दी से बताइएगा मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा मौखिक अच्छा इस मौखिक का अर्थ क्या है पहले ये आप बताओ ये जो मौखिक है इस मौखिक का अर्थ क्या है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा इस मौखिक का अर्थ क्या है मौखिक का अर्थ है कि मतलब मैं जो आपसे बोल रहा हूं कुछ भी बात कर रहा हूं अर्थात तो मैं मुख से जो बोल कर बात कर रहा हूं मुख से बोल कर बात करना ये क्या है आपका बोल कर बात करना है अपने शब्द को कहना यह आपका क्या है यह है आपका मौखिक मुख से बोलकर बात करना अपने शब्द को कहना तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द हो जाएगा लिखना यानी लिख कर अपनी बात को कहना लिख कर अपनी बात को कहना या बताना क्लियर है जी चलो आगे आ जाता है इसका आंसर ए वाला सही होगा ठीक है इसका तो चलो कि किसी ने गलत नहीं किया अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा क्वेश्चन है अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा इस अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा ठीक है अनाथ अनाथ का अर्थ आप सभी को पता है जिसके मतलब माता पिता ना हो जिसके माता पिता ना हो वो क्या होता है अनाथ होता है सभी को पता होगा जिसके माता पिता ना हो वो क्या होता है अनाथ होता है तो यहां पर आप देखिएगा कि अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा शनाथ शनाथ में क्या होता है इसमें माता पिता की तो

जानने वाला है ना तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा आपका सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला सब कुछ जानने वाला तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा यहां पे आंसर बच्चा क्या जाएगा यहां पे आंसर आ जाएगा सर्वज्ञ क्लियर ये चीज चलिए आगे आ गया जाता है आपके सामने आगे आ गया जाता है लो इसका नेट गया खेल खत्म हो गया रुको बच्चा एक मिनट रुको इसका जो है थोड़ा नेट गड़बड़ कर गया है आज तो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि नेट की थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं इसका जो मैंने फीडेस इसकी डाउनलोड करी थी ना मैं वही लगाता हूँ इसमें रुको एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक सेकंड रुको अभी अभी कंफर्म हो जाएगा एक कुछ सेकंड का समय दीजिएगा आप चलो आगे ये भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलो हम कहाँ पे थे बस हम अब उसी पॉइंट पे पहुँचेंगे क्वेश्चन आपका तीन हो गया था चार हो गया था छः भी हो गया था सात आठ नौ दस हो गया था हम कहाँ पे थे शायद ग्यारह भी हो गया था सर्वज्ञ बारह पे थे कहाँ पे थे बच्चा हम बारहवें क्वेश्चन पे थे बारह हो गया था तेरह पे आ गए तेरह की सकारात्मक कविलोम शब्द क्या होगा तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया कि सकारात्मक की बात कर रहा है अर्थात पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, है। सकारात्मक का अर्थ होगा नकारात्मक क्या होगा इसका आंसर नकारात्मक इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं उसके बाद है कि आपका सम्मुख का विलोम क्या होगा क्वेश्चन है आपके सामने सम्मुख का विलोम क्या होगा किसकी बात कर रहा है बात कर रहा है सम्मुख का विलोम क्या होगा सम्मुख का तो सम्मुख का विलोम क्या होगा सम्मुख का विलोम शब्द जो है चार वो क्या होगा इसका विलोम शब्द होगा आपका विमुख सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा सम्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख उसके बाद आपका का विलोम शब्द है अथ का विलोम शब्द क्या होगा जल्दी से एक बार बताइएगा कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा तो अर्थ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका इति अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा अथ का विलोम शब्द होगा बच्चा इति क्या होगा इति इसके बाद आगे देखेगा इसके बाद आप लोग आगे देखेगा कि उर्वर का विलोम शब्द क्या है प्रश्न नंबर सोलह उर्वर का विलोम शब्द क्या है प्रश्न नंबर सोलह उर्वर जो है उर्वर इस उर्वर का विलोम शब्द क्या है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि उर्वर का विलोम शब्द क्या है किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मैं उर्वर का तो उर्वर का मतलब होता है कि कुछ तो वहां पर चीज उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ जमीन क्या होता है उपजाऊ है ना उपजाऊ जमीन आप लिख सकते हो कि उपजाऊ होता है लेकिन उषर जो होता है ये उशर नहीं होता उश्वर में क्या हो कुछ भी उपजाऊ नहीं हो पाता है अर्थात इसके आंसर क्या क्या जाएगा सी थोक का विलोम शब्द क्या होता है किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं थोक का है ना परचून थाक, थोया या फिर प्राय थोक का विलोम शब्द क्या होगा थोक का विलोम शब्द ठीक है जल्दी से बताइएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो थोक का मतलब होता है किसी भी वस्तु को एक साथ लेना किसी वस्तु को एक साथ किसी वस्तु को एक साथ एक साथ लेकिन यहां पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा परचून मतलब एक एक करके लेना है ना तो इसका उल्टा क्या जाएगा परचून यानी कि सत्रह का ए आंसर सही है उसके बाद अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने कि भूषण का विलोम शब्द क्या होगा किसकी बात कर रहा है भूषण का विलोम शब्द क्या होगा भूषण का विलोम शब्द क्या होगा प्रश्न नंबर अठारह भूषण का विलोम शब्द क्या होगा प्रश्न नंबर अठारह तो भूषण का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा दूषण क्या होगा बच्चा दूसड़ का विलोम शब्द क्या होगा दूसर उसके बाद है आपका अवनी का विलोम शब्द है है क्वेश्चन आपके सामने अवनी का विलोम शब्द क्या होगा क्वेश्चन है आपके सामने अवनी का विलोम शब्द क्या है किसकी अवनी का अवनी का जो है विलोम शब्द वो क्या है प्रश्न नंबर उन्नीस किसकी बात कर रहा है बच्चा बात कर रहा है अवनी का तो अवनी का अर्थ आप जानते हो कि नहीं अवनी का बिल्कुल सही है इसका अर्थ होगा आपका अंबर अंबर ठीक है चलिए आकाश अंबर बिल्कुल। चलिए इसके बाद हे का विलोम शब्द क्या होगा किसकी बात कर रहा है बात कर रहा है ये जो हे शब्द लिखा है इसका विलोम शब्द क्या होगा ये हे शब्द क्या है ये हे शब्द का विलोम क्या होगा किसकी बात कर रहा है हे शब्द का विलोम क्या होगा हे तो हे शब्द का जो विलोम होगा हास्य होगा हार होगा ग्राम में होगा या ग्राह्य होगा तो हे शब्द का विलोम होगा डी वाला ग्राह्य हालांकि इसका आंसर काफी सारे लोगों ने गलत कर दिया कोई बात नहीं है कोई बात नहीं गलत हो गया हो गया आगे से आपका गलत नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट वाले विलोम शब्द जो मैंने आपको भी करवाए हैं ये आपके क्या थे इंपॉर्टेंट वाले थे उसके बाद कौन सा पर्यावची जल का इनमें से नहीं है ठीक है कौन सा पर्यावची जल में इनमें से नहीं है देखो बताओ देखो जल का आपका क्या क्या होती है मान लो क्या मैं जल का जो लिख रहा हूँ तो नॉर्मली आपको बताना चाहिए पानी है ना अमीर पीयूष है ना पीयूष सुधा ये सब किसके हैं ये जल के पर्यावी हैं तो देखो इसमें पानी तो है कि नहीं है बताओ पानी है कि नहीं है बिल्कुल है सर पानी हाँ क्या कह रहे हो इक्कीस का डी अच्छा इक्कीस का बी आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक है चलो अभी हम देख लेंगे भाई अभी तो पैंतीस पर्यावची है वो विलोम शब्द तो उतने ही थे देखो ज्यादा अगर मैं करवा दूंगा तो फिर वो बात बन नहीं पाएगी है ना विलोम शब्द को तो कैसे आप नॉर्मल से कराएंगे देखो हाँ तो मैंने क्या बताया है आपको पीयूस सुधा सुधा के बाद तोय अंबू ये सब किसके जल के पर्यावची पर वारिद जो है ये दल का पर्यावची नहीं है अर्थात इसका आंसर क्या होगा बी आंसर सही हो जाएगा कौन सा जो है यमुना का पर्यावची नहीं है यमुना का तो यमुना को और और किन नदियों के नाम से जाना जाता है तो अगर आप लोगों ने जीके पढ़ी होगी तो मैंने आपको मैं आपको बताता रहता हूं मैं आपको क्या बताता रहता हूं यमुना को और किन नदियों के नाम से जाना जाता है तो मैं आपको खूब बता रहता हूं कि इसे कालिंदी को के नाम से जाना जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है कालिंदी के नाम से जाता है जाना जाता है अमरकंटक से निकलती नहीं ये तो ये वाले अमरकंटक से नहीं निकलती जीके मैंने खूब आपको पढ़ाया यमुना के बारे में ठीक है यमुना अपनी दिल्ली से होती तो ही आगरा शहर जो है आगरा नगर आगरा शहर इसके नदी के किनारे पर बसा हुआ है ठीक है कालिंदी भी रवि सुता भी है रवि सुता क्यों है क्योंकि आप सभी को बताओगा कि जो पौराणिक कथाओं के अनुसार आप जानते हो कि जो देव हैं देव की पुत्री है ये सूर्य देव की पुत्री कौन थी तो सूर्य देव की पुत्री थी आपकी क्या नाम यमी के नाम से बाद में उनको यह है ये जब नदी के नाम बनी तो इनका नाम यमुना हो गया यमुना नदी हो गया ठीक है और अर्कसुता भी इन्हें कहा जाता है अर्थात ए भी है इसका आंसर क्या है सुरसरी यानी कि बी आंसर इसका नहीं है इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी वाला क्या हो जाएगा सुरसरी बी आपका करेक्ट है ठीक है इस वाले में आपका बे बी आ जाएगा उसके बाद आगे आ जाता है उसके बाद आपका आगे आ जाता है कि कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है इनमें से बताइएगा कि कौन सा पर्यायवाची ऐसा है जो कि तालाब का नहीं है देखो तालाब का कौन नहीं है पुष्कर है कि नहीं है तट है कि नहीं है तड़ाग है कि नहीं है किसकी बात कर रहा है तालाब की बात कर रहा है तो देखो तालाब में आपका तालाब और तालाब भी कहा जाता है है ना पुष्कर भी कहा जाता है और आपका तड़ाग भी कहा जाता है लेकिन तट नहीं है तट किसी रेखा की मतलब जमीन नीचे की बात कर रहे हैं कि आप तट है ये क्या एक तट है तो तालाब का मतलब इससे कोई भी नहीं अर्थात सी आंसर इसका सही है इसका क्या है आपका सी आंसर सही है तट होगा इसका बच्चा कह रहा है कि नहीं है ये आप ये भी देख लो आप कह रहा है नहीं है ठीक है सी सही होगा चलिए इसके बाद आप आगे आ जाता है कि कौन सा पर्यावची देवता का इनमें से नहीं है कौन सा पर्यावची देवता का नहीं है देखो जल्दी से बताओ आप सुर निर्जुर विभु या फिर द्विज जो है आपका देवता का नहीं है देखो आपका सुर यह भी आपका देवताओं में आ जाता है सुर निर्जर यह भी आपका देवताओं में आ जाता है विबु यह भी देवताओं में आ जाता है जैसे आपका भगवान हो गया है ना देवताओं में कई सारी चीजें आ जाती हैं देवताओं में तो आप दुई जो नहीं है इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर ए वाला इसका सही है इसका आंसर क्या बिल्कुल सही है आप सभी लोगों का आ भी रहा है बहुत बढ़िया तैयारी ए आंसर सही है इसमें आपका ए आंसर सही है चलिए इसके बाद आप लोग जल्दी से आ जाइएगा कि कौन सा पर्याची नारी का नहीं है क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि कौन सा पर्यायवाची इनमें से नारी का नहीं है नारी का तो वामा कहा जाता है कि नहीं वामा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है वामा तो आप सभी को पता होगा नारी में आपका वामा से कोई मतलब नहीं बाकी वनिता भी कहा जाता है ललना भी कहा जाता है कामिनी भी भी कहा कहा जाता जाता है है ना भी कहा जाता है ना अर्धांगिनी पत्नी भी कहा जाता है अरे बहुत सारे होते हैं नारी की तो फिर समझ नहीं सकते आप कितने होते हैं है ना चलो इसके बाद आपका जो आ जाता है इसके बाद आपका कौन सा पर्यायवाची पार्वती का इनमें से नहीं है कौन सा पर्यायवाची पार्वती का इनमें से नहीं है देखो उमा भवानी गिरिजा या फिर आत्मजा देखो पार्वती का जो है इनमें से कौन नहीं है तो देखो उमा कहा नहीं कि इन पार्वती को उमा भी कहा जाता है गिरिजा भी है और आपका आत्मजा भी है है ना भवानी है कि नहीं है नहीं सॉरी इसमें क्या बोलते हैं इसमें आत्मजा नहीं होगा ठीक है इसमें क्या है आत्मजा नहीं होगा भवानी भी कहा नहीं देखो भाई माँ भवानी के नाम से जाने जाते हैं हम सभी को बताए का जो है ये कालचक्र के परे मानी जाती हैं जो मतलब समय में आगे क्या घटित होगा ये मतलब कहा जाता है कि ये शक्ति त्रिदेवों के पास है पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेव इन द सेंस आपके भोलेनाथ और आपके विष्णु भगवान और आपके ब्रह्मदेव ये तीन देवों के पास है कालचक्र की शक्ति की मतलब आगे क्या हो सकता है इन्हें इनका नॉलेज रहता है लेकिन मात्र ये जो आदिकाली के नाम से भी जानी जाती है मतलब इन्हें जो है क्या है किसी इनकी आ, ये कालचक्र के परे हैं मतलब ये क्या कब करेंगे ये उनको भी नॉलेज नहीं रहता क्योंकि ये कालचक्र को भी रोक सकती हैं अर्थात समय को भी रोका जा सकता है जो पिक्चरों में आपको दिखाते हैं ना समय में रोक दिया अपना समय रोकने के बाद ये काम कर रहा है वो सब फालतू की चीज़ें हैं कभी विश्वास भी मत करना टाइम ट्रेवलिंग इज इम्पॉसिबल है कभी टाइम ट्रेवलिंग नहीं की जा सकती है लोग कहते हैं कि टाइम ट्रेवलिंग करना अरे वैज्ञानिकों की बस की बात नहीं है आप अभी रहने दो उसके बारे में सोचना टाइम ट्रेवलिंग कर ली तो सब कुछ पॉसिबल है पर टाइम ट्रेवलिंग हो नहीं पाएगी और सारा कुछ खेल किसका है समय चक्र का टाइम ट्रेवल का है है ना तो वही चीज़ है यहाँ पर हाँ चलो जो भी चैट पे परेशान कर रहा है एक बार देखना सर किस क्या चल रहा है चैट में कुछ लोग को परेशान कर रहे हैं अभी मैं दिखवा रहा हूं टेंशन ना लो जो लोग परेशान वगैरह आपको कर रहे हैं कोई भी बच्चा जो भी है मैं अभी आपको जो है ब्लॉक करवा देता हूं जो भी वो होंगे मैं मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूं अभी ध्यान नहीं दे पाऊंगा उस पर बट अब मैं इसकी बात कर रहा हूं चलो कौन सा पर्यायवाची धरती का इनमें से नहीं है देखो धरती का आपको पता है कि नहीं धरती के बारे में आपको खूब मैंने मतलब ये आप समझो कि ये नॉर्मल चीज़ है इसमें कुछ ज़्यादा सोचने और समझने वाली बात नहीं है ये बहुत नॉर्मल चीज़ है देखो धरती को आप अचला वसुधा अचला है ना क्षिति वसुधा ये सब कहते हो लेकिन अचल से कोई मतलब नहीं है धरती का पर्यावची इसमें से ए नहीं है अर्थात इसका आंसर ए होगा अगला है कौन सा पर्यावरची नदी का इनमें से नहीं है कौन सा पर्यायवाची इनमें से नदी का जो है नहीं है नदी का पर्यायवाची नहीं है देखो बताओ जल्दी से तटनी सलीला तरंगिनी या फिर आपका है देव नदी कौन सा पर्यायवाची इनमें से नदी का नहीं है किसका नहीं है नदी का नहीं तो देखो तटनी यह नदी का पर्यायवाची है बात मैं नदी की बात कर रहा हूं इसलिए तटनी इसका पर्यायवाची है सलीला यह भी नदी का पर्यायवाची है भी भी नदी 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 का का पर्यायवाची पर्यायवाची है है देव देव कोई भी नहीं हालांकि आप लगा सकते थे कि आ रहा है। लेकिन यह गलत है ठीक है देव नदी कोई आपका पर्यायवाची नदी का नहीं है आप लगा जरूर सकते थे देखो लगा भी रहे कुछ लोग ए आंसर दे भी रहे ठीक है परंतु यह नहीं है ए आंसर सही है ठीक है इसका चलिए आगे आ जाता है आपका आगे आ जाता है आपका चलो कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है इनमें से पक्षी आप जानते हो खग पक्षी मृग इन सब नाम से जानते हो आप लेकिन इनमें से पक्षी जो है का एक जो है शब्द जो कि पक्षी से मिलता जुलता नहीं है वो कौन सा है तो देखो द्विज को आप जानते हो पक्षी के नाम से विघ को जानते हो कि नहीं खेचर को भी जानते हो लेकिन जलयर जलयर ये आपको जल से पता लगा हाँ चलो पक्षी का पर्यायवाची कहीं से भी नहीं लगता है ये क्या है आपका इसका आंसर जो होगा वो डी होगा इसका आंसर क्या होगा डी होगा करेक्ट है आपका जलेयर उसके बाद कौन सा पर्यायवाची पेड़ का नहीं है इनमें से जो है कौन सा पर्यायवाची पेड़ का नहीं है इसमें आपको वृक्ष वृक्ष दिख रहा है है भी तो हो सकता नहीं चलो इसमें ऑप्शन में भी नहीं आपको चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताना है कि कौन सा पर्यायवाची जो है पेड़ का नहीं है तरु ये पेड़ का पर्यायवाची है द्रुम ये पेड़ का पर्यायवाची है विटप ये पेड़ का पर्यायवाची है लेकिन विहान जो है विहान पेड़ का पर्यावरण अर्थात इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है विहान जो है यह पेड़ का पर्यावरची नहीं है अर्थात इसका आंसर जो है वो बी आंसर करेक्ट आंसर है बी आंसर क्या है करेक्ट आंसर है चलिए एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग आगे आ गया जाता है आपका ओह ओह ओ, ओ, इतना बड़ा हो गया आ गया जाता है कि आपको इसमें भी वही चीज बतानी है इसको मैं आर आप आराम से बता सकते हैं उसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि कौन सा जो है आपका पर्यावरणी इसमें पुष्प लिखा है और पुष्प का है कौन नहीं? नहीं लिखा है बस इस चीज को आप याद रखना यहां एग्जाम में बस यही फंसाया जा सकता है ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश जल्दी से एक बार बता दीजिए कमेंट करके पुष्प का नहीं है कमल पुहुप सुमन या प्रसून जल्दी से एक बार बता दीजिएगा कौन नहीं है बहुत बढ़िया शाबाश देखो प्रसून क्या है ये भी आपका पुष्प का पर्यावचय है पुहप भी पुष्प का पर्यावचीय है सुमन भी पुष्प का पर्यावचीन है परंतु कमल नहीं है इसका आंसर बी आपका करेक्ट देखो बहुत सारे लोगों को क्या है कि यार कमल तो एक फूल ही है तो ये कैसे नहीं हो सकता पर्यायवची कमल एक फूल है लेकिन ये फूल का पर्यावची नहीं है आप ये समझ लीजिएगा कमल का फूल जो है अलग होता है ठीक है इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा आप सोच रहे हो यार फूल ही है इसमें कोई दिक्कत तो हो ही नहीं सकती इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चा वो आपका बी वाला सही है चलिए आगे आ जाता है कि कौन सा पर्यायवाची बिजली का नहीं है कौन सा पर्यायवाची आपका जो है बिजली का नहीं है कौन सा पर्यायवाची बिजली का नहीं है बहुत बढ़िया जल्दी से बताएंगे कि कौन सा पर्यायवाची बिजली का नहीं है कौन सा पर्यायवाची बिजली का नहीं है जल्दी से बताएंगे कौन सा पर्यायवाची बिजली का नहीं है बहुत बढ़िया शाबाश एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए बहुत बढ़िया देखो बिजली में अगर आप देखोगे तो विद्युत तो है विद्युत की नहीं है बताओ है ना विद्युत भी है और आपका पता होगा कि दामिनी भी है है ना अब इन दोनों में से आप बताओ कि कौन नहीं है इन दोनों में से तो आप आपको है परंतु चप्पल चप्पल नहीं चप्पल चप्पल ये जो है बिजली का पर्यावरणी नहीं इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आएगा देखिए कितने उन्होंने सही दिया तो ये सभी लोगों ने इसका आंसर सी दे रहे हो छठा नहीं है गलत हो बी आंसर सही होगा ये नहीं है चलिए आगे आ जाता है आपका आगे क्वेश्चन क्या है आगे देखिएगा आगे है कि कौन सा पर्यायवाची बादल का नहीं है इनमें से कौन सा ऐसा पर्यायवाची है जो कि बादल का नहीं है वारिज जलद पयोधरा या फिर नीरद कौन सा पर्यायवाची इनमें से बादल का नहीं है कौन सा पर्यायवाची इनमें से बादल का नहीं है तो आप देखो वारिज जो है यह आपका किसका पर्यायवाची है यह बादल का है नहीं जलद है किसका है यह जलद आपका बादल का है पयोधरा भी है और नीरद भी है लेकिन वारिज जो है ये नहीं है वारिज जो है बाबा ये नहीं है ठीक है इसका बी कैसे हो सकता है जलद आप दे रहे हो नहीं गलत बात है इसका आंसर ए होगा ठीक है थीके? इसका आंसर ए होगा चलिए आगे आ जाता है आगे आ जाता है आपका कि कौन सा पर्यायवाची समुद्र का नहीं है कौन सा पर्यायवाची समुद्र का नहीं है कौन सा पर्यायवाची इनमें से समुद्र का नहीं है सागर हो सकता है क्या तो बिल्कुल हो सकता है भाई क्यों नहीं हो सकता है सागर सागर है क्या रत्नाकर हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है अंबुधि हो सकता है बिल्कुल हो सकता है पुष्कर नहीं है पुष्कर नहीं है ये आपका किसका है ये एक बार कमेंट करके बताओ कि पुष्कर है किसका पर्यायवाची पुष्कर नहीं बाकी तीनों किसके हैं बाकी ये तीनों आपके ये तीनों आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं ठीक है पुष्कर नहीं अर्थात इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर ए वाला सही है इसका आंसर क्या है ए वाला सही है बहुत बढ़िया सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी है आपकी बहुत अच्छी तैयारी है बहुत बढ़िया चलिए आगे आ जाता है आगे आ जाता है आप सभी लोगों के सामने कि कौन सा पर्याची हवा का नहीं है हवा का पर्याची कौन सा नहीं है किसकी बात बात कर कर रहा है बात कर रहा है हवा का तो आपको पता होगा हवा अनिल पावर ये सब किसके आ जाते हैं हवा अनिल ये सब किसके आ जाते हैं बच्चा अनिल पावर ठीक है ये पावर पावन नहीं पवन होगा ये जो पावन लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है यहां पे क्या हो सकता था पवन तब आपका ऐसा ही होता तब आपका ऐसा ही होता अनिल होता है हाँ ये ठीक है भाई उसके बाद आपका शमीर ठीक है मारुत मारुत को आपको पता है मारुति न इसलिए कहे जाते थे क्योंकि ये जो थे पवन देव के पुत्र थे कौन बाबा आपके जो बजरंग बाबा थे तो इसलिए ने मारुति भी कहा जाता था है ना तो ये आपका हवा से कनेक्टेड है समझ गई बात क्योंकि ये मारुत आपका जो है हवा से कनेक्टेड है चलो तो अनिल जो है ये नहीं है इसका आंसर क्या सॉरी ये वाला आपका बी वाला इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे बस पा लिख दिया और आपको कन्फ्यूज करने का पूरा ट्राई किया है पूरा ट्राई किया कि कैसे भी करके बच्चों को कंफ्यूज कर दो पावन लिखा है बस चल्दी बल्ली में लगा देगा हो सकता है इसमें अनिल लगा के चलाए हो सकता है समीर लगा के चलाए मारु तो समझ में आ ही रहा है है ना तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात है और कोई नहीं है तो आप बस उसको तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आप कर पाओगे देखो क्वेश्चन का आंसर करने के पहले जितना जरूरी है कि आप क्वेश्चन को आप सही से आंसर करें उतना ही जरूरी है कि क्वेश्चन के आंसर को आप सही से पढ़ें कौन सा पर्यायवाची हाथी का नहीं है नहीं कौन सा पर्यायवाची जल्दी से बताइए कि कौन सा पर्यायवाची हाथी का इनमें से नहीं है जल्दी से बताओ एरावत भी एक जो है कहीं कहीं मान लो हाथी की जगह पे आपको कहीं जैसे कुछ और लिख दिया तो हाथी की जगह पे कहीं कहीं आपको एरावत भी लिखा हुआ सकता है एरावत है ना एरावत तो ये भी आपका किसका पर्यायवाची है ये भी आपका मान लो तरीके से हाथी हाथी का पर्यायवाची करी करी जो है नहीं है बाकी कुंजर कर और मतंग ये सब हाथी के ही पर्यायवाची हैं कुंजर कर और मतंग ये सब किसके हैं हाथी के पर्यायवाची हैं इसका क्या जाएगा नहीं रुको 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 करी है सॉरी देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया यहाँ पर यहां पे पहले आप लिख लो एक एरावत यहाँ पे आप क्या लिख लोगे आप गावत ये भी एक हाथी का ही पर्याची और ये एक इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया करी और कर में देखो ये कर भी तो है और कुंजर भी है और मतंग तो हंड्रेड परसेंट है मतंग तो क्या है आपका हंड्रेड परसेंट है ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा सॉरी जो मैं पहले बता रहा था करी है लेकिन ये कर नहीं है अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि देखो लगभग सेम बताने की प्रयास करा है कि करी और कर जैसे कि अभी उसमें पावन और पवन में कंफ्यूज करने की ट्राइम था है ना जैसे अभी उन्होंने पावन और पर में बिल्कुल हाँ कर का हाथी का नहीं है ठीक है ये नहीं है ये तो आप इसे छोड़ दो सी आंसर सही होगा चलिए आगे आ जाता है आपका अरे यार, आगे की कौन सा पर्यावरण सूर्य का नहीं है कौन सा पर्यावर जो है आपको बताना है सूर्य का नहीं है कौन सा प्रयाची सूर्य का नहीं है राकेश प्रभाकर दिनेश या फिर दिवाकर आप लोगों ने इनमें से किस किस के नाम है बताइएगा इनमें से सभी के लगभग नॉर्मली नाम ही होते हैं प्रभाकर ये जो है आपका ये सूर्य का परी है सूर्य से इस इसको बताया जा रहा है दिनेश भी आपका सूर्य का पर्यावची है और आपका दिवाकर भी किसका है सूर्य का पर्यावची है पर राकेश नहीं है राकेश से मतलब नहीं है कोई भी क्या इसका आंसर इसका आंसर ए वाला सही है इसका आंसर क्या सही है इसका आंसर ए वाला सही है राकेश नहीं है इसका आंसर बाबा क्या सही है ए आंसर सही है क्या सही आंसर है ए आंसर सही है। उसके बाद आगे आ गया जाता है कि कौन सा पर्यायवाची बंदर का नहीं है कौन सा पर्यायवाची बंदर का, नही का नहीं है कौन सा पर्यायवाची बंदर का नहीं है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पर्यायवाची जो है वो बंदर का नहीं है ठीक है तो देखो कपी हनुमत छोड़ो से मरकट और हरी ये बंदर को हरी भी कहा जाता है मरकट भी कहा जाता है और कपी भी कहा जाता है परंतु हनुमत नहीं कहा जाता बच्चा यहाँ पे कुछ लोग क्या सभी लोग मैं देख रहा हूँ बी लगा रहे हैं कि तो चलो बी आंसर हो सकता है कि मतलब बी नहीं लगा रहे हैं इसमें हरी टी लगा रहे हैं लेकिन क्या आएगा बी वाला सही होगा बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया सारे क्या मतलब सारे ने मुझे लग रहा है गलत कर दिया है देखे जरा कोई है एक आध नहीं 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 है ऐसी बात नहीं है काफ़ी लोगों ने दे दिया सही बहुत अच्छी बात है फिर तो नहीं है ये बात अच्छी है चलो अच्छी बात है कि यार आप ट्राई मार रहे हो आंसर करने का देखो मैं मानता हूँ आपकी बात यार कन्फ्यूज़ तो आप हो ही जाओगे यार नॉर्मली हम भी हो ही जाते हैं कन्फ्यूज़ ऐसा देख करके यार हो सकता है, है ना बी हनुमत से जो है आपका हनुमत नहीं है बंदर का इन्हें बजरंग बाबा से मत कनेक्ट कर दो ये आपका एक हिंदी भाषा के शुद्ध वाक्यों से कनेक्शन की बात होती है चलिएगा इसके बाद आप अगला क्वेश्चन आप जल्दी से देखेगा और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या करें कि कौन सा परायची रात का नहीं है रात का नहीं है अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछू वाक्यों के एक वाक्य लिए एक शब्द वाला एक एक वाक्य के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन पूछू बताओ जैसे कि रात्रि में भ्रमण करने वाला क्या कहा जाता है मतलब रात्रि में खूब जाग रहा हो हो इधर उधर भ्रमण कर रहा हो। उसे क्या कहा जाता है किसकी बात कर रहा हूं मैं रात्रि में भ्रमण करने वाला उसे क्या कहा जाता है रात्रि में भ्रमण करने वाला यह क्वेश्चन बताओ जैसे रात्रि की बात आ गई तो मैंने पूछ लिया देखो रात का पर्यावचित क्या हो सकता है जल्दी से एक बार बताइएगा इसका आप लोग जल्दी से एक बार बताएंगे देखो यामिनी भी लगभग या यात्री का रात्रि का जो है रात का आ ही जाता है निशा ये भी आपका रात्रि का पर्यायवाची है रजनी ये भी किसका है रात्रि का पर्यायवाची है है ना रात का पर्यायवाची रात्रि भी किसका है ये भी आपका रात्र का पर्यायवाची है है ना तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा यानी कि वामा नहीं है इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा बिल्कुल सही है इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा सी और इसका आंसर आ जाएगा निशाचर निशाचर रात्रि में भ्रमण करने वाला क्या आ जाएगा निशाचर मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप uh, जैसे कि आपको हंड्रेड में आपका क्या का विलोम हो गया टॉप हंड्रेड में विलोम हो गया पर्यायवाची हो गई टॉप हंड्रेड की बात कर रहा हूं वाक्यों के लिए एक शब्द हो गया वाक्यों के लिए एक शब्द एक शब्द एक शब्द है ना एकार्थी और अनेकार्थी एकार्थी और आपका क्या अनेकार्थी अनेकार्थी और क्या क्या होता है और आपका तत्भव हो गया है ना तत्भव तत्भव शब्द हो गए और आपका तत्सम हो गया ये सारे के सारे मैं टॉप हंड्रेड में आपके कराऊंगा जैसे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है सभी के कराऊंगा मान लो कि पचास जो है बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द करा लिए तो पचास आपके बहुत इंपॉर्टेंट पर्यावरण करा लिए इस तरीके से है ना जब आप पेपर देने जाओ तो सेम आपको लगे कि इसमें से वही क्वेश्चन पूछ दिया गया और जैसे आपको पता है अच्छा मैं क्यों नहीं वाला ही क्यों करवा रहा हूं ताकि आप तीन उसके बारे में जान पाओ पाओगे तीन हैं इसके और एक ये नहीं है और आप जल्दी से आइडिया भी लगा लो मान लो आपको पता था कि इसका वामा नहीं होता है बाकी तीनों होते हैं तो आपको एक सेकंड लगेगा मात्र इसका आंसर देने में और अगर आपको नहीं पता था तो आप सोचोगे कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है इसलिए उसमें ज्यादा समय लग जाएगा इसलिए मैं आपको समय को बचाने के लिए सब चीजें सोचनी पड़ती है अगला है अगला है आपके सामने कि कौन सा प्रवाची आग का नहीं है इनमें से कौन सा प्रवाची आग का नहीं है देखो अनल होता है यहां पे अनिल लिखा है अनिल नहीं होता है आप कर, अगर मान लो अनल ना होता तो कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है अनल होता है ज्वलन होता है वही होता है लेकिन इसका आंसर आंसर जो हो हो जाएगा जाएगा इसका बी वाला इसका आंसर क्या आ जाएगा बी वाला इसका करेक्ट आंसर है कि अग्नि का प्रयाची जो है वो अनिल नहीं होता है क्या नहीं होता है अनिल नहीं होता है चलिएगा आगे आ जाता है आपका कौन सा प्रयाची अमृत का नहीं है तो आप सभी को अमृत अमीय अमृत का एक इसमें आने लिखा है। चलो लिख देता हूं अमीर है ना सुधा अमृत सुधा पीयूष वही आपका किसका होता है अमृत का ही देखो तो पीयूष भी लिखा है यहाँ पर है ना सुधा भी लिखा है सोम भी लिखा है अर्थात इसका तो कुछ सोचना ही नहीं है कि भाई जल कैसे हो सकता है अमृत का पर्यावचित अमृत का पर्यावचित जल कैसे हो सकता है इसमें भी कुछ सोचना था क्या इसमें भी आपको कुछ सोचना था क्या बताओ इसमें भी आपको कुछ सोचना था क्या चलिए आगे जाता है कि कौन सा पर्यावचित अतिथि का नहीं है कौन सा पर्यायवाची अतिथि का नहीं है कौन सा पर्यायवाची अतिथि का नहीं है अतिथि का नहीं है अभ्यागत आंगुतक आंगुतक या फिर आंगतुक सॉरी अध्यापक सॉरी अभ्यागत आंगतुक अनुपस्थिति या फिर मेहमान जल्दी से बताओ कौन सा नहीं है अतिथि का नहीं है तो देखो अनुपस्थिति यार इसे थोड़ी ना है आपका अतिथि का मेहमान तो होता ही है मेहमान आप सभी को पता ही है है ना ये नहीं है आंगुतुक भी और व्यागत भी है आगे आ जाता है आप सभी के सामने कि कौन सा पर्यायवाची आंख का इनमें से नहीं है कौन सा पर्यायवाची आंख का नहीं है जल्दी से बताओ देखो चछु नयन ये सब किसके हैं लोचन ये सब लोचन नहीं चछु नयन और आपका हग यह भी आपका है चचू भी है अच्छी भी है नयन भी है परंतु इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आंसर करेक्ट आ जाएगा अच्छ यह नहीं है यह इसका पर्यायवाची नहीं है चलो आगे आ जाता है आपके सामने कि कौन सा पर्यायवाची असुर का नहीं है कौन सा पर्यायवाची इनमें से असुर का नहीं है तो देखो तीन होंगे परंतु दो नहीं होंगे एक नहीं होगा देखो दानव भी आपका किसका है असुर का है राक्षस भी किसका है असुर का है दैत्य भी किसका है असुर का है परंतु द्विज जो, जो है ये असुर का नहीं है अर्थात बी आंसर होगा क्या होगा बी आंसर होगा असुर का जो है इनमें से कौन सा नहीं है वो आपका बी वाला नहीं है अर्थात द्विज नहीं है ठीक है हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है Osionfish. चलो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पर्यायवाची अरण्य का नहीं है किसकी बात कर रहा है कौन सा पर्यायवाची अरण्य का नहीं है किसकी बात कर रहा है अरण्य का देखो विपिन तो है विपिन किसका है अरण्य क्या है कानन किसका है अरण्य क्या है वन किसका है अरण्य क्या है जंगल भी है चलो लेकिन इसमें जो है आपका अरण्यक ये आपका गलत ही शब्द ही लिखा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए उत्तर से आ जाएगा कि इसमें यह नहीं है ये इसमें नहीं है बच्चा क्या है इसका आंसर ये नहीं है देखो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर लो जैसे मैं आपको नॉर्मली पर्यायर वीडियो में शुभ करवाया हूँ वैसे ही मैं आपके सारे कराता रहूँगा देखो ये आपके क्या है 25 ये थे और 20 थे। वो थे लगभग 45 क्वेश्चन थे जो मैंने बहुत जल्दी ही करवा दिए है पैंतालीस क्वेश्चन लगभग पैतालीस मिनट लगे पैंतालीस मिनट से कम ही लगे होंगे वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर भी कराया है यू पी एस आई दो एग्जाम के लिए 14 बुक्स का कॉम्बो सेट जिसमें आपको मिलेंगी सामान्य हिंदी गणित भारतीय इतिहास मूल विधि यूपी जी के स्ट्रेटेजी के रीजनिंग रसायन विज्ञान पॉलिटी अर्थशास्त्र जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान ज्योग्राफी और यू पी एस आई का प्रैक्टिस सेट ये सभी बुक्स आपको मिलेंगी मात्र चौदह में तो आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डर करें अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर नाइन एट सेवन थ्री ट्रिपल त्री त्री वन डबल फाइव टू पर कॉल या व्हाट्सएप करें एट डबल फोर एट डबल वन सिक्स टू फोर फाइव पर धन्यवाद